और लोकसभा चुनावों की जो सरगर्मी है अब वो पूरे चरम पर आ चुकी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में जमकर इंडी गठबंधन पर बरसते हुए गरजते हुए नजर आए। आपको बता दें, बाड़मेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि वो इंडी गठबंधन से सावधान रहे। ऐसा क्यों कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान के रण में परमाणु बम, भारत की परमाणु शक्ति इंडी को खटकी। इंडी का प्लान, शक्ति विहीन हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी अभियान में जुटे हैं। इसी बीच शुक्रवार को राजस्थान में बाड़मेर की जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु जखीरे को देश का गौरव बताते हुए विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन से देश को सतर्क रहने की नसीहत दी। पाकिस्तान से 150 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है। पिछले कुछ समय से भारत की सीमाओं को लेकर विशेष फोकस रहा है। सीमावर्ती इलाकों को लेकर मुस्तैदी जहां मोदी सरकार में बढ़ी है, वहीं कई मौकों पर बीजेपी ने बताया है कि बड़े फैसले लेने की हिम्मत सिर्फ बीजेपी में ही है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी हुंकार के दौरान ये बताया कि कैसे एक झटके में 370 को खत्म किया गया। 370 के खात्मे से सीमाएं और मजबूत हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के वीरों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रभक्ति के सवाल का भी खरा खरा जवाब दिया। जिस भारत मां के लिए हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते, ये कांग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है। और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की वीर भूमि में आकर कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना, क्या वास्ता। नई संसद या राम मंदिर का निर्माण हो, 370 हटाने का बड़ा फैसला या सनातन पर सवाल, विरोध करना विपक्ष का शगल बन चुका है। भारत के निर्माण से जुड़ा देश में कोई भी काम होता है तो सबसे पहले विरोध के स्वर इंडी गठबंधन से उठते हैं। विपक्ष के विरोध करने की आदत पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रश्न खड़े किए। कांग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हित में होता है। कांग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश विरोधी होती है। संविधान बदलने के इल्जाम पर पहली बार पीएम मोदी ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के संविधान को केंद्र सरकार के लिए गीता, रामायण, महाभारत और कुरान बताया। इस मुद्दे को लेकर इंडी गठबंधन पर गलत बयानी का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस संविधान के नाम पर झूठ का सहारा ले रही है। जब भी चुनाव आता है संविधान के नाम पर झूठ बोलना, ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है। वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। राजस्थान की 25 में से 25 लोकसभा सीटें हासिल करने की जुगत में हर पार्टी लगी है।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जुबानी हमलों के बाद अब ये जंग और तेज होती दिखाई दे रही है। सियासी रण में फिलहाल हर कोई एक दूसरे को पटकनी देने के फिराक में है। हालांकि जीत किसकी होगी ये 4 जून की तारीख ही बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के सीलमपुर में बदमाशों के हाथ से बुलंद युवक को बदमाश ने 20 सड़क पर सिर पर मारी गोली, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। बेंगलुरु ब्लास्ट मामला एनआईए की टीम ने बेंगलुरु से ले जाकर 2 आतंकियों से पूछताछ की। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले आतंकियों का होगा मेडिकल। दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव ने किया जीत का दावा, 19 अप्रैल को करेंगे नामांकन दाखिल। मछली खाने वाली तस्वीर पर तेजस्वी यादव का बचाव किया। लोकसभा चुनाव को लेकर श्री रविशंकर लोगों से की वोट डालने की अपील, कहा आगे बढ़कर करें मतदान, वोट डालना आपकी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के पुणे के कलाकार ने बनाई प्रधानमंत्री मोदी की अद्भुत तस्वीर, पीएम की तस्वीर को संत तुकाराम के रूप में किया गया चित्र। यूपी के आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, डकैती और व्यापारी की हत्या के मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दरोगा ने खुद को मारी गोली, पुलिस ने मौके से बरामद किया सुसाइड नोट, पुलिस अधीक्षक ने 5 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। उधर हरिद्वार में बैसाखी स्नान को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लोगों ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। इजरायली आयरन डोम ने 40 से ज्यादा रॉकेट किए नष्ट, दक्षिणी लेबनान से इसराइल पर दागे गए थे कई रॉकेट। गाजा ने इसराइल की तरफ 8 रॉकेट लॉन्च किए, इसराइल की हमले का गाजा दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी गांव में इसराइलियों ने की जबरदस्त गोलीबारी और आगजनी, कई घरों कारों को लगाई गई आग। बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हुई, कई लोग हुए इसमें जख्मी। इसराइल की बमबारी के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करने के लिए WHO की टीम ने खान यूनिस का किया दौरा, गाजा में 6 महीने की लड़ाई ने फिलिस्तीनी को मानवीय संकट में धकेल दिया। बेंगलुरु ब्लास्ट मामला एनआईए की टीम ने बेंगलुरु से ले जाकर 2 आतंकियों से पूछताछ की। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले आतंकियों का होगा मेडिकल। दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव ने किया जीत का दावा, 19 अप्रैल को करेंगे नामांकन दाखिल। मछली खाने वाली तस्वीर पर तेजस्वी यादव का बचाव किया। लोकसभा चुनाव को लेकर श्री रविशंकर लोगों से की वोट डालने की अपील, कहा आगे बढ़कर करें मतदान, वोट डालना आपकी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के पुणे के कलाकार ने बनाई प्रधानमंत्री मोदी की अद्भुत तस्वीर, पीएम की तस्वीर को संत तुकाराम के रूप में किया गया चित्र। यूपी के आगरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, डकैती और व्यापारी की हत्या के मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दरोगा ने खुद को मारी गोली, पुलिस ने मौके से बरामद किया सुसाइड नोट, पुलिस अधीक्षक ने 5 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। उधर हरिद्वार में बैसाखी स्नान को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लोगों ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। इजरायली आयरन डोम ने 40 से ज्यादा रॉकेट किए नष्ट, दक्षिणी लेबनान से इसराइल पर दागे गए थे कई रॉकेट। गाजा ने इसराइल की तरफ 8 रॉकेट लॉन्च किए, इसराइल की हमले का गाजा दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी गांव में इसराइलियों ने की जबरदस्त गोलीबारी और आगजनी, कई घरों कारों को लगाई गई आग। बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हुई, कई लोग हुए इसमें जख्मी। इसराइल की बमबारी के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करने के लिए WHO की टीम ने खान यूनिस का किया दौरा, गाजा में 6 महीने की लड़ाई ने फिलिस्तीनी को मानवीय संकट में धकेल दिया।